Even protein shakes are really bad. Like, can you elaborate? It takes 3 years to digest one scoop of protein shake, by the way. It stays in your body. हम पागल हैं पागल. हमें तो खुद ही पता नहीं कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं ताने. क्या आप भी पहली बार वे प्रोटीन ट्राई करना चाहते हैं लेकिन मार्केट में इतने सारे वे प्रोटीन के टाइप्स को लेकर आप कंफ्यूज हो रहे हैं? जैसे कि आपको पता है कि सही हाई क्वालिटी प्रोटीन को अपनी डाइट में इंक्लूड करना बहुत जरूरी है. आपको मार्केट में बहुत तरीके के प्रोटीन मिल जाएंगे जिनको आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त सबसे कॉमन और सबसे पॉपुलर प्रोटीन सप्लीमेंट डेफिनेटली वे प्रोटीन है. वे प्रोटीन दूध से ही प्रोड्यूस किया जाता है, इसलिए ये नेचुरल एंड सेफ ऑप्शन है. काफी तरह के वे प्रोटीन होते हैं एंड सबसे कॉमन मार्केट में सिर्फ दो तरह के फॉर्म्स अवेलेबल है. द फर्स्ट वन इज आइसोलेट एंड द सेकंड वन इज कॉन्सेंट्रेट. इन दोनों ही फॉर्म्स में लोगों को काफी कंफ्यूजन रहता है कि इनमें से कौन सा उनके लिए बेटर है या इनमें क्या डिफरेंस है. तो आइए आज वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट एंड वे प्रोटीन आइसोलेट के बारे में आपके सारे कंफ्यूजन को वंस एंड फॉर ऑल इस वीडियो में सॉल्व करते हैं. एंड ऑफकोर्स सारी इन्फॉर्मेशन ऑलवेज विद साइंटिफिक फैक्ट्स. तो चलो स्टार्ट करते हैं. जब हम दूध से दही या पनीर बनाते हैं तो इस प्रोसेस में दही या पनीर बनने के बाद दूध का हल्का घुला हुआ पानी रह जाता है, उसे वे कहते हैं. पर्टिकुलरली आप दही के बारे में सोचें कि दूध से दही बनाते वक्त जो पानी दही के लेयर के ऊपर रह जाता है वो एक्चुअली एक क्लाउडी तरह का लिक्विड होता है जिसमें तब भी दूध के प्रोटीन का कुछ पार्ट रहता है. यूनिवर्सिटी ऑफ अरकानसस के डिपार्टमेंट ऑफ जेरियाट्रिक के लीडिंग साइंटिस्ट रॉबर्ट आर वुल्फ ने मिल्क से प्रोड्यूस होने वाले डिफरेंट तरह के प्रोटीन पे एक स्टडी कंडक्ट की. इस स्टडी के रिजल्ट को अगस्त 2015 में न्यूट्रिशन रिव्यू मैगजीन में भी पब्लिश किया गया. इस स्टडी में ओवरऑल मिल्क प्रोटीन के बारे में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन तो क्लियर हुई, पर वे प्रोटीन के बारे में पर्टिकुलरली दो मेजर एडवांटेज के बारे में पता चला. नेचुरल वे लिक्विड में जो प्रोटीन रह जाता है उसकी एक खासियत बात यह है कि ये बहुत ही फास्ट डाइजेस्टिव प्रोटीन है, लेकिन नेचुरल जो वे लिक्विड दूध से निकाला जाता है उसमें दूध के मुकाबले बस 20% ही प्रोटीन रहता है. एक्चुअली बिफोर प्रोसेसिंग जो सोर्स दूध होता है उसमें ओवरऑल 20% ही वे प्रोटीन होता है एंड 80% केसीन प्रोटीन होता है. बोथ केसीन एंड वे आर हाई क्वालिटी प्रोटीन्स, लेकिन केसीन प्रोटीन बहुत ही स्लो डाइजेस्टिव प्रोटीन होता है. हाउएवर बोथ आर अवेलेबल एज अ टॉप सप्लीमेंट इन द मार्केट. वे प्रोटीन का एक और एडवांटेज ये है कि पर्टिकुलरली बॉडी में मसल बनाने के लिए जो न्यू प्रोटीन चाहिए होता है, वे प्रोटीन का नेचुरल स्ट्रक्चर इस न्यू प्रोटीन के स्ट्रक्चर से सबसे ज्यादा सिमिलर है. इसी वजह से वे प्रोटीन मसल बिल्डिंग के लिए दूसरे प्रोटीन के मुकाबले ज्यादा इफेक्टिव है. एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, वे आइसोलेट एंड वे कॉन्सेंट्रेट आर द मोस्ट कॉमन फॉर्म्स ऑफ वे प्रोटीन. इन दोनों फॉर्म्स में एक्चुअली बहुत ही स्लाइट डिफरेंस है एंड वो डिफरेंस भी सिर्फ इस बात पर डिपेंड करता है कि वे प्रोटीन को फर्दर कैसे प्रोसेस किया जा रहा है. वे आइसोलेट एंड वे कॉन्सेंट्रेट के बीच कुछ न्यूट्रिशनल डिफरेंस जो बेसिकली इनको प्रोसेस करने में जो मेथड अप्लाई किया जाता है सिर्फ उसी की वजह से होता है. जब दूध या दही को प्रोसेस करने के बाद जो लिक्विड वे बाकी रहता है उसको एज अ बाय प्रोडक्ट कलेक्ट किया जाता है. उसको किसी भी तरह के इफेक्टिव सप्लीमेंट में कन्वर्ट करने से पहले फिर से फर्दर प्रोसेस किया जाता है ताकि उसका प्रोटीन कंटेंट और बढ़ाया जा सके. जब प्रोसेस करते हुए ऐसे स्टेप पर पहुंचते हैं कि उसका प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट ऑलमोस्ट 80% तक बढ़ चुका होता है, तब वो लिक्विड को ड्राई करके पाउडर फॉर्म में डिराइव कर लिया जाता है. ये 80% वाले मार्क पे जो वे प्रोटीन को पाउडर फॉर्म में डिराइव किया जाता है ये वे कॉन्सेंट्रेट होता है. वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट पाउडर में 80% प्रोटीन होता है और 20% फैट और कार्बोहाइड्रेट का बैलेंस होता है. लेकिन अब इसी वे लिक्विड को 80% वाले स्टेज पे ही पाउडर फॉर्म में ना चेंज करके फर्दर इसको अगर और प्रोसेस किया जाए, 80% की जगह 90% तक इसमें प्रोटीन कंटेंट बढ़ा दिया जाए और फिर इसको पाउडर फॉर्म में लाया जाए, तो इस स्टेज पे वो आइसोलेट पाउडर बनता है. सो मतलब सोर्स कॉन्सेंट्रेट और आइसोलेट दोनों का सेम है. प्रोसेसिंग वे आइसोलेट को ज्यादा देर तक किया जाता है, इसी वजह से प्रोटीन कंटेंट वे आइसोलेट में ज्यादा बढ़ाया जाता है. ऑब्वियसली वे आइसोलेट अगर 90% प्रोटीन होगा तो उसमें फैट्स और कार्बोहाइड्रेट का परसेंटेज सिर्फ 10% ही होगा. तो ये एक और मेजर डिफरेंस होता है कॉन्सेंट्रेट और आइसोलेट में कि दोनों में से वे आइसोलेट में थोड़ा हाई परसेंटेज ऑफ प्रोटीन होता है. सेकंड, वे आइसोलेट को थोड़ा ज्यादा देर तक प्रोसेस किया जाता है.
थर्ड वे आइसोलेट में फैट्स और कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट वे कॉन्सेंट्रेट से कम होता है। फोर्थ, बिकॉज वे आइसोलेट को ज्यादा देर तक प्रोसेस किया जाता है, इसलिए उसमें लैक्टोज का कॉन्सेंट्रेशन भी वे कॉन्सेंट्रेट पाउडर से कम होता है। प्लीज ये समझिए कि वे आइसोलेट कंप्लीटली लैक्टोज फ्री नहीं होता, बट अगर हम कंपेयर करें कॉन्सेंट्रेट एंड आइसोलेट में, तो आइसोलेट में कंपैरेटिवली लो लैक्टोज होता है, लेकिन फिर भी वे आइसोलेट इज द सेफेस्ट ऑप्शन फॉर लैक्टोज इंटॉलरेंट पेशेंट्स। ये याद रखिए, क्योंकि बोथ वे कॉन्सेंट्रेट पाउडर एंड वे आइसोलेट पाउडर का सोर्स वे प्रोटीन ही होता है। सोर्स सेम होने की वजह से इन दोनों के अमीनो एसिड्स ऑलमोस्ट एकदम सेम होते हैं। इसके अलावा क्योंकि वे आइसोलेट को प्रोसेस करने में मेहनत ज्यादा होती है, प्रोसेसिंग के स्टेप्स ज्यादा होते हैं एंड प्रोटीन का कॉन्सेंट्रेट ज्यादा होता है, इसलिए ये बहुत ही लॉजिकल है कि वे आइसोलेट का प्राइस भी वे कॉन्सेंट्रेट से ज्यादा ही होगा। ज्यादा एक्सपेंसिव होना वे आइसोलेट के लिए एक तरह से डिसएडवांटेज है, क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हैं कि वे आइसोलेट में प्रोटीन कॉन्टेंट ज्यादा होता है, तो मैं आपको ये बता दूं कि एक्चुअली आप वे कॉन्सेंट्रेट अगर थोड़ा ज्यादा लेंगे, लाइक 1 या 2 टेबलस्पून ज्यादा खाएंगे, तो आपको उतना ही प्रोटीन मिल जाएगा जितना आपको अप्रोक्सीमेटली वे आइसोलेट के एक स्कूप से मिलता है। तो अगर आपको ऐसा लगे कि वे आइसोलेट आपके लिए अफोर्डेबल नहीं है, तो यू कैन चूज वे कॉन्सेंट्रेट एट अ लोअर प्राइस बट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द क्वालिटी ऑफ अ प्रोटीन और द प्रोटीन लेवल। एक्चुअली वे प्रोटीन का एक्टिव पीपल के लिए क्या क्या बेनिफिशियल इफेक्ट होता है, इस पर काफी स्टडीज की गई है। एक स्टडी इन पर्टिकुलर है जिसमें 192 इंडिविजुअल को वे प्रोटीन सप्लीमेंट दिया गया। इस स्टडी का मेन एम ये था कि वे प्रोटीन डिफरेंट फॉर्म्स में या दूसरे सप्लीमेंट के कॉम्बिनेशन में बॉडी पर क्या असर दिखाता है। फर्नांडो नेस्लेरियो एंड एनिके लरुम्बे जबारा ने स्पोर्ट्स मेडिसिन मैगजीन में इस स्टडी के रिजल्ट को पब्लिश किया। पार्टिसिपेंट्स को स्टडी के अंडर वे कॉन्सेंट्रेट भी दिया गया, वे आइसोलेट भी दिया गया और फर्दर वे कॉन्सेंट्रेट एंड वे आइसोलेट को दूसरे डिफरेंट इंग्रेडिएंट के साथ मिक्स करके भी कुछ कॉम्बिनेशन में दिया गया। जो अल्टीमेटली पूरी स्टडी के बाद देखा गया वो ये देखा गया कि दोनों ही वे आइसोलेट एंड वे कॉन्सेंट्रेट से बॉडी में काफी इंप्रूवमेंट हुए। बॉडी में मसल मास बढ़ा, स्ट्रेंथ बढ़ा और दोनों ही ग्रुप्स के पाउडर में सेम टाइप के बेनिफिट्स देखे गए। कुछ माइनर न्यूट्रिशन डिफरेंस के अलावा और कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं मिला कि एक पाउडर दूसरे पाउडर से ज्यादा बेटर हो। इनफैक्ट ये जरूर पता चला कि वे प्रोटीन को चाहे वो कॉन्सेंट्रेट हो या आइसोलेट हो, फर्दर आप दूसरे मल्टी इंग्रेडिएंट के साथ एनहेंस कर सकते हैं। पर्टिकुलरली क्रिटीन के साथ जब वे प्रोटीन को मिलाकर पिलाया गया तो पार्टिसिपेंट्स में सिग्निफिकेंटली ज्यादा इंप्रूवमेंट थे। लेकिन आपको डेली कितना प्रोटीन लेना है ये आपके टोटल डेली रिक्वायरमेंट एंड डाइट पे ही डिपेंड करेगा। सारे एक्सपर्ट्स बस इतना ही रिकमेंड करते हैं कि आपका डेली प्रोटीन इनटेक सिर्फ हाई क्वालिटी सोर्स से ही होना चाहिए, जैसे दूध, एग्स, दाल, चिकन एक्सेट्रा। और अपने डाइट को फर्दर न्यूट्रिशन देने के लिए आप प्रोटीन सप्लीमेंट लेते हैं तो वो भी हाई क्वालिटी सोर्स से ही होना चाहिए, क्योंकि वे प्रोटीन दूध से ही बनता है, विच मीन्स इट इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ प्रोटीन। इसलिए आइसोलेट हो या कॉन्सेंट्रेट, दोनों को ही हाई क्वालिटी प्रोटीन कंसीडर किया जाता है। तो फाइनल कंक्लूजन ये है कि अगर आप फैट इंटेक एक्सट्रीम लेवल पे लिमिट कर रहे हैं या आप लैक्टोज इंटॉलरेंट है, तो मे बी यू कैन चूज वे आइसोलेट पाउडर। बट इफ यू आर थिंकिंग अबाउट द अफोर्डेबिलिटी, देन वे कॉन्सेंट्रेट पाउडर इज द ऑप्शन यू शुड टेक। एक और बात, कुछ कुछ सप्लीमेंट प्रोडक्ट्स ऐसे भी होते हैं जो बोथ कॉन्सेंट्रेट एंड आइसोलेट का कॉम्बिनेशन ही ब्लेंड करते हैं, तो इन दैट केस आपको अलग से डिफरेंस पता नहीं चलेगा कि किस फॉर्म में इफेक्ट आपकी बॉडी पे ज्यादा पड़ेगा। सो इस पूरी इंफॉर्मेशन के बाद व्हाट डू यू थिंक यू विल प्रेफर, वे आइसोलेट और वे कॉन्सेंट्रेट? अपना पॉइंट ऑफ व्यू मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आई विल कीप क्रिएटिंग मोर सच इन्फॉर्मेशन वीडियो फॉर यू। टिल देन स्टे सेफ, बी हैप्पी।